हाँ भाई, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत और प्रक्रम के अंतर्गत कुछ नई बात पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उत्पन्न विदलन के प्रकार। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको बताया था हमने, ये क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो काम करता है कैंची का, चाकू का। इसको आप ध्यान रखें, आणविक कैंची या बायोलॉजिकल कैंची या केमिकल कैंची कहा जाता है, चाकू कैंची कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें आप देख रहे हैं चित्र में, ध्यान से देखिए, ये डीएनए का खंड है जिसके द्वारा इसको काटना है। तो काटने के लिए जो है इसमें क्या होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रायः डीएनए स्ट्रैंड को पैलिंड्रोमिक स्थान के मध्य से थोड़ा हट के काटते हैं। आपको बता चुके हैं पैलिंड्रोमिक स्थान क्या होते हैं। पैलिंड्रोमिक स्थान जो है सीधे उल्टे क्रम में लगने वाले जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सेगमेंट। ठीक है, ये विदरण यानी कटाव, पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, रज्जुकों यानी धागे में दो समान क्षारकों के बीच होता है। कटान जो है वो बीच में ना होने से थोड़ा सा किनारे से होता है। मतलब आप देख रहे हैं चित्र में कि जो है एक सा ऊपर है, एक सा नीचे, अलग अलग हो रहे हैं ये। ठीक है, क्या होता है किनारों पर एक रज्जु की भाग रह जाता है। इन फैलावों को चिपचिपे सिरे कहते हैं। कैसी हैं ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये देख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। मतलब बीच में से इसको निकाटा गया है, एक हिस्सा यहां से काटा गया है, एक हिस्सा यहां से काटा गया है। तो इस प्रकार इसे इसे कहते हैं स्टिकी एंड या चिपचिपे सिरे, क्योंकि ये अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इनका चिपचिपापन डीएनए लाइगेज द्वारा इनको चिपकाने में मदद करता है। डीएनए लाइगेज क्या होता है? जोड़ने वाला एंजाइम। ठीक, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने वाला, जोड़ने वाला लाइगेज। आप देख रहे हैं कटने पर एक रज्जु डीएनए, एक रज्जु दूसरे रज्जु से कुछ क्षारक आगे की ओर निकला हुआ रहता है। अब क्या होता है आगे देखिए, ई कोलाई यानी कि इको आर वन, ये एंजाइम का नाम है, इको आर वन ये हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ई को आर वन का मतलब होता है इस्टेरिकिया कोलाई, रिस्ट्रिक्शन का जो एंजाइम होता है। ठीक है, आपको बताया था हमने उसका, मतलब ये नाम है, शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ये एंजाइम जो है वो उसके नाम पर रखा गया है, इस्टेरिकिया कोलाई, ई कोलाई। ठीक है, बता चुकी आपको पिछली बार, ई से होता है इस्टेरिकिया, सी से कोलाई, ठीक, आर से रिस्ट्रिक्शन और इंड्यूस करने वाला, यानी फर्स्ट पहला खोजा गया तो फर्स्ट हो गया ये ई कोलाई। ई कोलाई द्वारा उत्पन्न कटान कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सपाट छोर बनाते हैं, इनमें संविदलन पाया जाता है। ये डीएनए अणु के दोनों रज्जुकों को एक ही स्थान पर काटते हैं, जैसे एलयू, AlU1, आर्थ्रो बैक्टर ल्यूटियस। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस वन। एक ही प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने पर डीएनए खंड समान प्रकार के चिपचिपे सिरे बनाते हैं। इन्हें डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा आपस जोड़ दिया जाता है। मतलब कहने का अभिप्राय यह है, अगर ये एंजाइम यहां से ना काट करके ऐसे काटे, पीछे से ऐसे काटता है इस प्रकार से, तो वो कहलाएगा सपाट छोर और ये कहलाएंगे चिपचिपे सिरे। इतना सा अंतर केवल है ध्यान रखने वाली बात। देखो ये बना हुआ है,
तो इसमें देख रहे हैं आप कि ये लिखा हुआ है फाइव और थ्री, देख रहे हैं आप, फाइव और थ्री का मतलब होता है फाइव प्राइम और थ्री प्राइम। फाइव मतलब, फाइव का मतलब होता है प्रारंभिक सिरा और थ्री का मतलब होता है अंतिम सिरा। तो ये दूसरे के एंटी पैरेलल है, ये एक का प्रारंभिक सिरा दूसरे के अंतिम सिरे के सामने होता है। ठीक, तो ये जो है, ये वाला जो एंजाइम काटा गया है, इसको किसने काटा है? आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। ठीक है, अभी बता रहे हैं इसके बारे में, ए एल यू वन, आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस वन, और वो था ई कोलाई आर, तो ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन वन। ये जो है एंजाइम वो किसके होते हैं, ये होता है एंजाइम के नाम है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है इसका, ये आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत एंजाइम किस प्रकार से काटते हैं। तो अलग अलग एंजाइम्स के जो प्रकार होते हैं वो डीएनए खंड को काटते हैं। काटने का अभिप्राय क्या है, ये आप अगले टॉपिक को पढ़ेंगे धीरे धीरे, मतलब ये टॉपिक पूरा एक चैप्टर में एक टॉपिक पूरा, तो इसको आप ध्यान से समझते जाइए, एक दूसरे से लिंक करते जाइए। पूरा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, क्योंकि लंबा टॉपिक है और इतना डाटा नहीं होता है, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, लेकिन जो पढ़ा दिया गया है उसको एक दूसरे लिंक करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे इस बारे में।